इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। It has been adopted by the most of the countries and even in authoritarian or dictatorial states, democratic norms are being observed in one form or the other. वर्तमान दुनिया में लोकतंत्र सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसे अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है और यहाँ तक कि सत्तावादी या तानाशाही राज्यों में भी लोकतांत्रिक मानदंडों का एक रूप में पालन किया जा रहा है। What is democracy? लोकतंत्र क्या है? Democracy means a system of government in which power to rule lies in the hands of the people. लोकतंत्र का अर्थ है सरकार की एक प्रणाली जिसमें शासन करने की शक्ति लोगों के हाथों में होती है। Ours is an age of democracy. Democratic form of government has been functioning in most of the states today. हमारा युग लोकतंत्र का है। आज अधिकांश राज्यों में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप काम कर रहा है। English word democracy has been derived from two Greek words, demos and kratia. Demos means people and kratia means power. अंग्रेजी शब्द democracy दो ग्रीक शब्दों demo और kratia से मिलकर बना है। Demo का अर्थ है लोग और kratia का अर्थ है शक्ति। Thus, democracy means power of the people. इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की शक्ति। Different writers have defined democracy in a different way, but the meaning in simple words is that democracy is a government which depends on the consent of the governed, i.e. the people. विभिन्न लेखकों ने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन सरल शब्दों में अर्थ यह है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो शासित यानी लोगों की सहमति पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सीली, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। American President Abraham Lincoln defined democracy as a government of the people, by the people and for the people. Profession Seeley के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया। इट कैन राइटली बी इन्फर्ड दैट अंडर डेमोक्रेसी सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द पीपल। यह ठीक ही अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र के तहत राज्य का संप्रभु अधिकार लोगों में निहित होता है। Administration is conducted by the will of the majority based on the welfare of the society as a whole. प्रशासन समाज के कल्याण के आधार पर पूरा का पूरा बहुसंख्यकों की इच्छा से संचालित होता है। Emergence of democracy in modern societies. आधुनिक समाजों में लोकतंत्र का उदय। Democracy as a form of government is as old as monarchy. सरकार के रूप में लोकतंत्र उतना ही पुराना है जितना कि राजतंत्र। Democracy originated in the Greek city of Athens 2500 years ago. 2500 साल पहले ग्रीक शहर एथेंस में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। The modern democracy is quite different from the democracy prevalent in ancient Greece. आधुनिक लोकतंत्र प्राचीन ग्रीस में प्रचलित लोकतंत्र से काफी अलग है। From there it spread to many countries of Europe. जहां से यह यूरोप के कई देशों में फैल गया। In Europe,
It started in the beginning of the 17th century when there were many political revolutions aimed at putting certain limitations or restrictions over the absolute powers of the monarchs and feudal lords. यूरोप में यह 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ जब कई राजनीतिक क्रांतियां हुई जिनका उद्देश्य सम्राटों और सामंती प्रभुओं की पूर्ण शक्तियों पर कुछ सीमाएं या प्रतिबंध लगाना था। The Glorious Revolution, 1688, was a great landmark in the expansion of democracy in England and the French Revolution, 1789-1815, was another landmark by which the French people emphasized that the country should be ruled by laws passed by the people. Shandar Kranti, 1688, इंग्लैंड में लोकतंत्र के विस्तार में एक महान मील का पत्थर थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789-1815 एक अन्य मील का पत्थर थी जिसके द्वारा फ्रांसीसी लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि देश पर लोगों द्वारा पारित कानूनों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। By the beginning of the 20th century, democracy had been firmly established in some countries like England, France and the United States of America. सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड फ्रांस और यूनाइटेड अमेरिका के राज्य जैसे कुछ देशों में लोकतंत्र मजबूती से स्थापित हो गया था। However, these countries did not allow all the citizens to vote. हालांकि इन देशों ने सभी नागरिकों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी। Often women were denied the right to vote. अक्सर महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। In some countries, only the people owning property had the right to vote. कुछ देशों में केवल संपत्ति रखने वाले लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। In the USA, the blacks did not have the right to vote all over the country until the second half of the 20th century. संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अश्वेतों को पूरे देश में वोट देने का अधिकार नहीं था। Therefore, we can say that even those countries were not full democracies in the sense in which we understand it today. इसलिए हम कह सकते हैं कि वे देश भी पूर्ण लोकतंत्र नहीं थे, जिस अर्थ में हम आज इसे समझते हैं। We have seen how democracy developed up to the 20th century. What were the reasons for it? हमने देखा है कि 20वीं सदी तक लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। इसके क्या कारण थे? It is generally said that democracy has spread because people consider it to be the best form of government. आमतौर पर कहा जाता है कि लोकतंत्र का प्रसार इसलिए हुआ है क्योंकि लोग इसे सरकार का सबसे अच्छा रूप मानते हैं। Although it is true that democracy could not have spread if people did not prefer it and start struggles in their countries for its establishment, but this is not the only factor responsible for it. हालांकि यह सच है कि लोकतंत्र अगर लोग इसे पसंद नहीं करते और इसकी स्थापना के लिए अपने देशों में संघर्ष शुरू नहीं करते तो फैल नहीं सकता था। लेकिन इसके लिए केवल यही कारक जिम्मेदार नहीं है। Most of these factors are related to the social, economic and political condition of that country. इनमें से अधिकांश कारक उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से संबंधित हैं। Those people who suffer from social and economic inequalities and not having any share in power see a hope in democracy. They also want to enjoy rights.
फ्रीडम एंड प्रिविलेजेस एंड पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। जो लोग सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से पीड़ित हैं और सत्ता में उनका कोई हिस्सा नहीं है, वे लोकतंत्र में एक आशा देखते हैं, वे भी अधिकारों, स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों और सरकार में भागीदारी का आनंद लेना चाहते हैं। Recently, some powerful countries in the world have taken on the task of promoting democracy in the world. हाल ही में दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों ने दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। In certain cases, powerful countries have launched armed attacks on non-democratic countries. कुछ मामलों में शक्तिशाली देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमले शुरू किए हैं। The USA and its allies said that they attacked Iraq in order to liberate the people of Iraq from dictatorship and to establish democracy in the country. संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कहा कि उन्होंने इराक के लोगों को तानाशाही से मुक्त करने और देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इराक पर हमला किया। In India, several factors have contributed in establishing democracy. भारत में लोकतंत्र की स्थापना में कई कारकों ने योगदान दिया है। Firstly, the British rule in India. Secondly, freedom movement was the most important influence on the evolution of democracy in India. सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन, दूसरे भारत में लोकतंत्र के विकास पर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। Thirdly, during our freedom struggle, many political parties such as Indian National Congress were formed. तीसरा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ। They made people active partners in reinforcing democratic institutions. उन्होंने लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्रिय भागीदार बनाया। Speaking as the president of Indian National Congress in its FASPER session in 1936, जवाहरलाल नेहरू affirmed the commitment to democracy. 1936 में अपने फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। He said, "The Congress stands today for full in India and fights for a democratic democracy state." उन्होंने कहा, कांग्रेस आज भारत में पूर्ण रूप से खड़ी है और एक लोकतांत्रिक लोकतंत्र के लिए लड़ती है। राज्य, fourthly, certain international influences also helped in the establishment of democracy in India. चौथा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों ने भी लोकतंत्र की स्थापना में भारत की मदद की। Struggle for independence from colonialism in several other countries also gave a fillip to India's struggle for independence and democracy. आजादी के लिए संघर्ष से कई अन्य देशों में उपनिवेशवाद ने भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए भारत के संघर्ष को गति दी। The idea of democracy developed with the rule of law. The principle of accountability or responsibility, the idea of adult franchise and the idea of political equality extended to economic equality. लोकतंत्र का विचार कानून के शासन, जवाबदेही या उत्तरदायित्व के सिद्धांत, वयस्क मताधिकार के विचार के साथ विकसित हुआ और राजनीतिक समानता के विचार का विस्तार आर्थिक समानता तक हुआ।
टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। डेमोक्रेसी इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड टू इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, वन प्रत्यक्ष लोकतंत्र और टू अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। वन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वन प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच ऑल एडल्ट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इन अ मास मीटिंग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी वयस्क लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधे एक सामूहिक बैठक में चुनते हैं। ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन जनरल असेंबली, लॉज आर पास्ड, अपॉइंटमेंट्स आर मेड एंड टैक्सेस आर असेस्ड इन द असेंबली वेयर ऑल द सिटीजंस अटेंड एंड कास्ट देयर वोट्स। सभी निर्णय सामान्य सभा में लिए जाते हैं, कानून पारित किए जाते हैं, नियुक्तियां की जाती हैं और करों का आकलन सभा में किया जाता है जहां सभी नागरिकों ने भाग लिया है और मतदान किया है। टू इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, टू अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। Indirect or representative democracy is a system in which all adult people elect their representatives through voting done by a secret ballot. अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी वयस्क लोग गुप्त मतदान द्वारा मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। Under this system, if representatives who conduct the affairs of the state fail to work according to the wishes of the voters, they are liable to be removed through ballot in the next election. इस प्रणाली के तहत यदि राज्य के मामलों का संचालन करने वाले प्रतिनिधि मतदाताओं की इच्छा के अनुसार काम करने में विफल रहते हैं तो उन्हें अगले चुनाव में मतपत्र के माध्यम से हटाया जा सकता है। This form of democracy exists in India, England, the USA and France. लोकतंत्र का यह रूप भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में मौजूद है। Universal Adult Franchise, Universal Adult Franchisee, the right to express one's choice by vote is called franchise. वोट द्वारा अपनी पसंद को व्यक्त करने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। When the right to vote is given to every adult, it is called the universal adult franchise. जब हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। It means every citizen who is 18 years of age or more is entitled to cast his or her vote irrespective of caste, creed, sex, religion or place of birth. इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे जाति, पंथ, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के बावजूद अपना वोट डालने का अधिकार है। The people through universal adult franchise elect their representatives. Universal वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। Different systems of power that exist in the world today. शक्ति की विभिन्न प्रणालियां जो आज विश्व में मौजूद हैं। Although many countries in the world have adopted democracy, yet in each country it possesses certain features which are specific to that country. हालांकि दुनिया के कई देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, फिर भी प्रत्येक देश में इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उस देश के लिए विशिष्ट होती हैं।
This is because democracy is shaped in each country by its own history, culture, traditions and economy. Each country takes a different path to democracy. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक देश में लोकतंत्र अपने इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और अर्थव्यवस्था से आकार लेता है। प्रत्येक देश लोकतंत्र के लिए एक अलग रास्ता अपनाता है। In some European countries where democracy was established much earlier, people won democratic rights through long struggles against the powers of the king. कुछ यूरोपीय देशों में जहां लोकतंत्र बहुत पहले स्थापित हो गया था, लोगों ने राजा की शक्तियों के खिलाफ लंबे संघर्षों के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त किए। In India, the struggle for freedom from British rule was by and large peaceful. With the adoption of our constitution, all the rights and freedom, including all democratic political rights, were given to the people at one stroke. भारत में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कुल मिलाकर शांतिपूर्ण था। हमारे संविधान को अपनाने के साथ सभी अधिकार और स्वतंत्रता, सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकारों सहित लोगों को एक ही झटके में दिए गए थे। European countries had developed industrially before they became full-fledged democracies. यूरोपीय देश पूर्ण लोकतंत्र बनने से पहले औद्योगिक रूप से विकसित हो चुके थे। In India, democracy was established before any notable industrial development. भारत में किसी भी उल्लेखनीय औद्योगिक विकास से पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। At the time of independence, India was mainly an agricultural country with most of the people living in villages. स्वतंत्रता के समय भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था जहां अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। The leaders of the freedom movement envisaged an India in which every citizen would get political, social and economic equality. स्वतंत्रता आंदोलन के नेता एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता मिले। It was this in mind that the framers of Indian Constitution provided for a parliamentary democracy with a representative government. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक प्रतिनिधि सरकार के साथ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की थी। There are different systems of power that exist in the world today. The chief among them are the following. आज दुनिया में सत्ता की विभिन्न प्रणालियां मौजूद हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. Dictatorial form of government. सरकार का तानाशाही रूप। In this form of government, the power to rule rests with one person or a small group of people. सरकार के इस रूप में शासन करने की शक्ति एक व्यक्ति या लोगों के एक छोटे समूह के पास होती है। Such power is often obtained forcibly. ऐसी शक्ति अक्सर जबरन प्राप्त की जाती है। A dictator usually takes away much of the people's freedom. एक तानाशाह आमतौर पर लोगों की अधिकांश स्वतंत्रता छीन लेता है। Those who criticize the government are severely punished. सरकार की आलोचना करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। 2. Monarchy. राजशाही। In this form of government, a monarch, a king or queen, has absolute power and the power to rule for life. सरकार के इस रूप में सम्राट, एक राजा या रानी,
उनके पास पूर्ण शक्ति और जीवन भर शासन करने की शक्ति होती है। इट इज जनरली हेरेडिटरी, यह आमतौर पर वंशानुगत होता है। Sometimes the power of a monarch is decided by the constitution. कभी कभी सम्राट की शक्ति संविधान द्वारा तय की जाती है। This is known as constitutional monarchy. इसे संवैधानिक राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। Theocracy is a religious system of government where religious leaders hold power. थीक्रसी सरकार की एक धार्मिक व्यवस्था है जहां धार्मिक नेता सत्ता रखते हैं। सम कंट्रीज टुडे कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। कुछ देश आज लोकतंत्र और लोकतंत्र के तत्वों को मिलाते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न रूप। Now let us take a look at some different forms of democratic governments. आइए अब हम लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ भिन्न रूपों पर एक नजर डालें। 1. Parliamentary form of government, सरकार का संसदीय स्वरूप। The parliament is the supreme law-making body. संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। The president of the country is constitutional head. देश का राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। The real power rests with the council of ministers headed by the prime minister at the center and the chief ministers in the states. वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास है, केंद्र में मंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर विच कैन रिमूव देम फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफ दे गो अगेंस्ट द विल ऑफ द लेजिस्लेचर और प्रूव अनफिट फॉर द टास्क ऑफ गवर्निंग द स्टेट। वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो उन्हें पद से हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। यदि वे विधायिका की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं या राज्य पर शासन करने के कार्य के लिए अनुपयुक्त साबित होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज हर कैबिनेट आर द रियल एग्जीक्यूटिव व्हाइल द प्रेसिडेंट एक्ट्स ओनली On the advice of the Council of Ministers, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट वास्तविक कार्यकारी होती है, जबकि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। The President has only constitutional or nominal powers. राष्ट्रपति के पास केवल संवैधानिक या नाममात्र की शक्तियां होती हैं। The president is not elected directly by the people. राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है। 2. Presidential form of government. राष्ट्रपति शासन प्रणाली। In presidential form of government, the president is elected directly by the people. सरकार के राष्ट्रपति रूप में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। The Congress or the Parliament has no control over the President. राष्ट्रपति पर कांग्रेस या संसद का कोई नियंत्रण नहीं है। The President is both the nominal and the real head of the government. राष्ट्रपति सरकार का नाममात्र और वास्तविक मुखिया दोनों होता है। 3. Unitary form of government, सरकार का एकात्मिक स्वरूप। In a unitary form of government, the states are controlled by the central government. सरकार के एकात्मिक रूप में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। The states do not have much power or say in terms of policies and decisions undertaken by the center.
केंद्र द्वारा की गई नीतियों और निर्णयों के संदर्भ में राज्यों के पास अधिक शक्ति या कहने का अधिकार नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द सेंटर कैन टेक ऑल द पावर्स फ्रॉम स्टेट्स। आपातकाल के समय केंद्र राज्यों से सभी शक्तियां ले सकता है। 4. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार का संघीय स्वरूप। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए क्लियर डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन टू गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। सरकार के संघीय स्वरूप में दो सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड रिटन। संविधान कठोर और लिखित दोनों है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ओवर अ सब्जेक्ट गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। यदि समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानून मान्य होगा। Significant elements that continue to make democracy popular in the contemporary world, महत्वपूर्ण तत्व जो जारी है लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए समकालीन दुनिया में। Democracy is considered to be the best form of government these days. लोकतंत्र को इन दिनों सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। There are some significant elements that continue to make democracy popular in the contemporary world. कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो समसामयिक विश्व में लोकतंत्र को लोकप्रिय बना रहे हैं। The chief among them are the following. उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. Equality, समानता। Democracy is based on the principle of equality. लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। All citizens of the state are equal in the eyes of law. कानून की नजर में राज्य के सभी नागरिक समान हैं। All enjoy equal social, political and economic rights and state cannot discriminate among citizens on the basis of caste, religion, sex or property. सभी को समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं और राज्य जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। All have equal right to choose their government. सभी को अपनी सरकार चुनने का समान अधिकार है। 2. Freedom, स्वतंत्रता। In a democratic government, people have the freedom to express their views fearlessly. एक लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को अपने विचार निडर होकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। According to this provision, every person has the right to profess, practice or propagate any religion he or she likes. इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने का अधिकार है। 3. Decision making mechanism, निर्णय लेने की क्रियाविधि। A democracy government is not run according to the whims of the ruler. लोकतंत्र की सरकार शासक की मर्जी से नहीं चलती। The administration is based on public will. Public opinion lends its strength. It is based on fear of authority. प्रशासन जनता की इच्छा पर आधारित है। जनता की राय इसे ताकत देती है। यह अधिकार के डर पर आधारित है। Real power lies in the hands of the people. असली सत्ता जनता के हाथ में है। These institutions have evolved to carry out the work of government.
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये संस्थाएं सरकार के विधायक, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को करने के लिए विकसित हुई हैं। Each organ performs its functions in accordance with rules and regulations, which are contained in a constitution, preferably written. प्रत्येक अंग अपना कार्य करता है नियमों और विनियमों के अनुसार, जो संविधान में निहित है, अधिमानतः लिखित। 4. Active participation of the citizen, नागरिक की सक्रिय भागीदारी। Any citizen of the country has the right to stand as a candidate for any post. देश के किसी भी नागरिक को किसी भी पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है। He can become a minister, prime minister or president. वो मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। But this type of situation is not possible in a dictatorship where one is always at the mercy of the dictator and is not the master of his fate. लेकिन एक तानाशाही में इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं है जहां व्यक्ति हमेशा तानाशाह की दया पर रहता है और अपने भाग्य का मालिक नहीं होता है। Interesting facts, रोचक तथ्य, democracy is a government of the people. लोकतंत्र जनता की सरकार है। It is also sometimes called a government by the people, or a government in which the people have sovereignty. इसे कभी कभी लोगों द्वारा सरकार या ऐसी सरकार भी कहा जाता है जिसमें लोगों की संप्रभुता होती है। Sovereignty means the supreme power to take decisions. The power above which there could be no other higher authority. Samprabhuta ka arth hai nirnay lene ki sarvoccha shakti. Wo shakti jiske upar koi anya uchcha adhikar nahi ho sakta. There must be some mechanism available to the people to participate in decision making and people must exercise control over the government. लोगों को निर्णय लेने में भाग लेने के लिए कुछ तंत्र उपलब्ध होना चाहिए और लोगों को सरकार पर नियंत्रण रखना चाहिए. Accommodation of differences, democratic government is based on majority rule. मतभेदों का आवास लोकतांत्रिक सरकार बहुमत के शासन पर आधारित है। In any society, there are differences of opinion and interest on most questions of public policy. किसी भी समाज में लोक नीति के अधिकांश प्रश्नों पर मतांतर तथा रुचियों का अंतर होता है। People belonging to different castes, religions, communities and regions have different views of life. विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों और क्षेत्रों के लोगों के जीवन के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं. Democracy provides an equal opportunity to all for the expression of their differences. लोकतंत्र सभी को अभिव्यक्ति के लिए समान अवसर प्रदान करता है उनके मतभेद। It provides them avenues to negotiate their differences and arrive at consensus through compromise. ये उन्हें अपने मतभेदों पर बातचीत करने और यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग प्रदान करता है समझौता के माध्यम से सहमति। Democratic governments work to improve the condition of their citizens. लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए काम करती हैं। It is both a form of government and a philosophy of social living. यह सरकार का एक रूप और सामाजिक जीवन का दर्शन दोनों है। It is a government in which bulk of people have the power to final decision on major questions of public policy.
यह एक ऐसी सरकार है जिसमें सार्वजनिक नीति के प्रमुख प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति अधिकांश लोगों के पास होती है। Such a government is not an end in itself. ऐसी सरकार अपने आप में अंत नहीं है। It is a means to an end and being the welfare of all. The maximum of individual liberty in consonance with the general security, order and welfare. The widest possible opportunities for one and all, the fullest development of human personality and the active participation of the largest possible number of citizens in the process of government. यह सभी का कल्याण, सामान्य सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याण के अनुरूप अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक और सभी के लिए व्यापक संभव अवसर, मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और की सक्रिय भागीदारी के अंत का एक साधन है। सरकार की प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकतम संख्या संभव है।